भारत बंद के आह्वान पर SC ST संगठन ने बयाना में निकाली विशाल रैली, पूरे बाजार की दुकान रही बंद, SDM को सौंपा ज्ञापन। SC ST के आरक्षण में क्रिमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुधवार को भारत बंद के तहत बयाना भरतपुर में SC ST संगठनों की ओर से शहर के बाजारों में होकर रैली गई। दोपहर 12 बजे रैली गांधी चौक से शुरू हुई, जो मुख्य बाजारों से होती हुई SDM कार्यालय पहुंची। SDM कार्यालय पर संगठनों के प्रतिनिधियों ने SDM राजीव शर्मा को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली में SC ST वर्ग के लोग हाथों में तिरंगा और नीला झंडा लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जयकारे लगाते हुए चले। पुलिस प्रशासन और व्यापारियों की सूझबूझ से रैली शांतिपूर्ण तरीके से निकली। व्यापारियों ने स्वैच्छिक रूप से बाजार बंद रखे। रैली में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। इस दौरान जाटव समाज के अध्यक्ष दान सिंह जाटव, महामंत्री किशन चंद्र वर्मा, रूप किशोर सेजवाल, राकेश जाटव, राजकुमार चहल, प्रताप सिंह, ब्रजेश जाटव एडवोकेट, डॉक्टर करण सिंह मीणा, पूर्व सरपंच कमल मीणा आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उधर शांतिपूर्ण रैली के बाद पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। सुबह से ही SDM राजीव शर्मा, एडिशनल SP ब्रजेश सिंह भाटी, डिप्टी SP अमर सिंह मीणा, तहसीलदार विनोद मीणा, विकास अधिकारी नरेंद्र सिंह गुर्जर, SHO बाबूलाल गुर्जर आदि रैली की मॉनिटरिंग करते हुए पल पल की अपडेट लेते दिखे। हालांकि रैली के समापन के बाद बाजार में धीरे धीरे दुकानें खुलना शुरू हो गई, लेकिन इंटरनेट बंद रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। फर्स्ट ट्रैक के लिए बयाना से सत्यप्रकाश अग्रवाल की रिपोर्ट।